आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता के विवाद में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सीएमओ की अध्यक्षता में जांच टीम किया गठित। पीड़ित छात्र हुए संतुष्ट, टीम करेगी जांच कि कॉलेज की मान्यता फर्जी है या नहीं, रिपोर्ट आने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। चुनावी रंजिश में भाजपा के मंडल अध्यक्ष को दबंगों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के घोष कंपनी चौराहे पर बुरी तरह से मारा पीटा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो मनबड़ों को किया गिरफ्तार। सपा के नेता आरोपियों को छुड़ाने के लिए बनाते दिखे, पुलिस पर दबाव, पुलिस कर रही है कार्रवाई। आचार संहिता लगते ही जनपद के सभी क्षेत्रों में प्रशासन ने बैनर पोस्टर को हटवाया। एडीएम फाइनेंस ने राजनीतिक दलों से की अपील, कहा अपने आरओ से अनुमति लेकर ही करें आगे का कार्य। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कैंट पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ सीओ कैंट के नेतृत्व में महानगर में किया फ्लैग मार्च, जनता को दिलाया सुरक्षा का एहसास। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर ने 18 व 19 वर्ष के नए मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 1 जनवरी तक जो लोग हुए हैं 18 वर्ष के, ऐसे लोग बीएलओ से संपर्क करके जरूर बनवाएं अपना वोटर आईडी कार्ड, विधानसभा चुनाव में करें मतदान। जनपद में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर, लेकिन लोगों में देखने को नहीं मिल रहा इसका डर। मात्र 15-20% लोग ही लगा रहे हैं मास्क। एडिशनल सीएमओ ने कहा कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए करें मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 281 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 1082। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाया गया 2 से अधिक सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी। एडीएम फाइनेंस ने कहा नागरिकों को बूथों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी सम्मानित धर्म गुरुओं के साथ जिला क्षय रोग के कार्यालय में संपन्न हुई बैठक। दी गई धर्म गुरुओं को टीवी से बचाव और लक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी, किया अपील अधिक से अधिक लोगों तक इस बीमारी से बचने के उपाय के प्रति लोगों को करें जागरूक। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त नए वोटर आईडी कार्ड को तहसील प्रशासन लिफाफे में पैक करके पोस्ट द्वारा भिजवा रहा है लोगों के घर। तहसीलदार ने कहा जिन लोगों का अभी तक नहीं बन पाया है वोटर आईडी कार्ड, ऐसे लोग अपने बीएलओ से संपर्क करके जरूर बनवाएं वोटर आईडी कार्ड। और मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 339 केंद्रों पर 48,434 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 35,456 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,978 लोग रहे शामिल। एसीएमओ ने कहा सभी लोग करवा लें वैक्सीनेशन, इस वायरस को लोग ना लें हल्के में।